व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को एक समोसा डो की ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो इस रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है मैदा 2 कप, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून नमक, 3 टेबलस्पून ऑयल या घी को मेल्ट करके हम रखेंगे। अगर घी डालना है तो घी को हमने मेल्ट करना है। अब इसमें नमक, ज़ीरा और अजवाइन और ऑयल मिला के अच्छी तरह इसको मलना है। खूब बिल्कुल मैदे को इतना मलना है कि बिल्कुल वो एक जान हो जाए। घी या ऑयल जो भी आप डालें वो बिल्कुल मैदे के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाए और वो बिल्कुल सब मैदे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब मिक्स हो जाए उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अब इसको गूंदेंगे। जितना ज़्यादा अच्छा गूंदेंगे उतने ही हमारे समोसे अच्छे बनेंगे। ये याद रख लें कि समोसा जो है जितना हमारा आटा अच्छा बनेगा उतने ही समोसे भी अच्छे बनेंगे और तमाम समोसों का दारोमदार इसी डो पर होता है। और डो का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ना ज़्यादा नरम होनी चाहिए ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। बिल्कुल सही उसकी कंसिस्टेंसी बहुत बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब इसको 15-20 मिनट के लिए रखते हैं। अब 15-20 मिनट हो गए, अब हम इसमें छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेते हैं। ये जितने बड़े समोसे यानी जिस साइज़ के आपने बनाने हैं उस तरह छोटे छोटे मैंने इतने पेड़े बनाए। आप भी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसे जितने साइज़ के बनाना चाहें वैसे बना लें। तो ये रोटियां इसको बेलते जाएंगे और तवे के ऊपर हल्की फुल्की यानी आधी कच्ची पकी सेकेंगे थोड़ी सी, बस एक साइड और दूसरी साइड थोड़ी सी पका के मतलब और ऐसी गरम मतलब तप दे के यानी जैसे थोड़ा सा सेक के बस रखते जाएंगे रोटियां। और बस उसके बाद जैसे ही तैयार हो जाएंगी उसको काटेंगे और उसको उसमें फिलिंग करें और रखें। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।